क्लास थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे आज हमारे साथ काम करेंगे और आपका टॉपिक है प्रीति फ्लावर्स पेज नंबर 11 और ये रहा आपका प्रीति फ्लावर्स। तो इसके साथ आज हमें काम करना है, बुक खोलिए और तैयार हो जाइए। तो बच्चों इसमें जो प्रीति फ्लावर्स में बनाने का मेथड बताया है वो है थ्रेड इम्प्रेशन। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक धागा लेंगे, ठीक है, उस धागे को कलर में हमें डिप करना है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ये कलर में डिप किया हुआ है और बहुत ज़्यादा हम इसको डिप नहीं करेंगे। और डिप करने के बाद जैसा यहाँ दिखाया है स्टेप नंबर 1 में कलर में डिप करना और फिर उसके बाद अपनी मनपसंद तरीके से उसको रखना, जैसे मैं यहाँ पर रख रही हूँ। साथ साथ देखिए आप किसी भी तरीके से इसे रख सकते हैं और उसके बाद एक दूसरा पेज लेना, उसके ऊपर रखना और फिर इस धागे का ये वाला पार्ट पकड़ करके उसको पुल करना है, आपको खींचना है। तो आप ध्यान से देखिए ये किस तरीके से अब हम करने जा रहे हैं। मैंने आपको सारा स्टेप्स बता दिया है बेटे। इस पेपर को हम रखेंगे, हाथ से कस के दबाएंगे और उसका एक पार्ट पकड़ेंगे, ये देखिए हमने पकड़ लिया है, और टाइट दबा लेंगे, ऊपर वाला हाथ टाइट रख देंगे और ज़ोर से खींच देंगे। अब इसके बाद धीरे से इसको उठाएंगे, ये देखिए ये प्यारा सा इम्प्रेशन बन गया। अब इसी के साथ यहाँ पर इन्होंने एक ब्लू इम्प्रेशन भी दिखाया है, तो मैं आपको ब्लू वाला मेथड भी करके दिखा रही हूँ। रहेगा सेम ही, सिर्फ डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर देखिए पेपर को रखा, दबाया, कस के दबा दिया, नीचे वाले पार्ट को पकड़ा और फिर तेजी से खींच दिया। अब देखते हैं क्या बनता है बच्चों। ये देखिए आपके दोनों शीट्स पर काम हुआ है। अब हम इसको फाइनल वर्क दे देंगे, जैसा कि यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। थोड़ा सा ग्रीन कलर लेंगे, पानी ऐड करेंगे इसमें और फिर अगर ज़रूरत है तो आप इसमें लीव्स बनाइए, है ना। नहीं ज़रूरत लगती है तो कोई बात नहीं है, आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं और अपनी मनपसंद की भी लीव्स बना सकते हैं। ये लीजिए आपका थ्रेड इम्प्रेशन बच्चों तैयार हो गया। इसी के साथ मैंने आपके लिए कुछ और भी, पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमारी दो शीट्स तैयार हुई हैं। देखिए एक तो जो आपकी बुक में है वो तो तैयार हुई हुई है और दूसरा जो जिस पेपर से आपने दबाया था वो पेपर भी हमारा तैयार हुआ है। तो आप इसको अपने मनपसंद तरीके से इसको तैयार कर लीजिए। इसी के साथ मैंने और भी एक दो शीट्स आपके लिए तैयार करके रखी है। ये देखिए ये भी थंब इम्प्रेशन का है, इसमें मैंने लीव्स लगाई हैं और कुछ इसमें मैंने थोड़ा सा ग्रीन पार्ट शो किया है और ब्लैक स्केच पेन से इसमें आउटलाइन भी किया है, आप भी कर सकते हैं। और ये तो अभी गीला ही है, ये भी हमने अभी ही तैयार किया है। तो बच्चों देख रहे हैं ना कितना सारा काम थंब इम्प्रेशन थ्रेड इम्प्रेशन से आप बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से बच्चों ये आप तैयार कर सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क है। तो बच्चों आपने ये सीखा, इसकी आप हमें प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ पिक्स वीडियोस बना करके आप हमें भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करके हमें दिखाइए और साथ ही अपनी क्लीनिनेस का, अपने हैंड्स का पूरा ध्यान रखिए। तब तक के लिए बच्चों फिर दोबारा मिलेंगे हम।